Okay. Good morning, everyone. I've started the recording. आपकी जो ये additional queries हैं, ये सब मैं lecture के end में answer दे दूंगा. ठीक है? I'm okay with discussing everything at the end of the lecture. अभी अपन पढ़ लेते हैं CUM. किसी बच्चे को लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ भेज दिया था. इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, रेज हैंड करो. नेक्स्ट टॉपिक कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ? जल्दी. बच्चों कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ? कोई भी नहीं पूरे बैच में. हाँ दुबे जी, माइक ऑन करो. यस सर. बच्चे नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन. ओके. यस सर. ये भी कोलिजन से रिलेटेड है. अब फंडामेंटल देखना क्या है. पार्टिकल जा रहे हैं बिफोर कोलिजन, ठीक है. ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? उनमें डिफॉर्मेशन आता है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है. करेक्ट? यस सर. आपके पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है यार. ओके, कोई और बच्चा रेज हैंड करे. हाँ जी. यस सर. तो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, तो सॉरी ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है. यस सर. राइट. अब डिफॉर्मेशन होता है तो हमारा काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है. एंड आफ्टर कोलिजन अगर वो पूरा का पूरा है ना ऑब्जेक्ट रीगेन कर लेता है शेप, तो हमारा पोटेंशियल अगेन काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और कोलिजन हमारा इलास्टिक होगा. राइट? इलास्टिक. यस सर. बट अब मैं ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, सॉरी ड्यूरिंग कोलिजन को थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाह रहा हूँ. तो ड्यूरिंग कोलिजन एक स्टार्टिंग में क्या होगा, जब कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा. यस सर. कब तक होगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसका शेप ऐसा हो गया और इस वाले का शेप मान लो ऐसा हो गया है, सॉरी अंदर से ऐसा वाला. राइट सर. यस सर. ये डिफॉर्मेशन तब तक होगा जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती. राइट? वेलोसिटी सेम हो गई तो दोनों क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे फॉर एन इंस्टेंस, तो वहां पे शेप चेंज होने का फंडा नहीं होगा. इसको आप समझ सकते हो दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे हैं और फिर उसके बाद आगे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो आगे निकल जाएगा. जैसे ही वो आगे निकलेगा रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर. किसी बच्चे को कोई डाउट जो मैंने बोला इसमें? मैंने ये बोला कि ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड करते टाइम क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा. कब तक होगा डिफॉर्मेशन? जब तक उन दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती, और जैसे वेलोसिटी सेम होगी वहां पे डिफॉर्मेशन रुक जाएगा क्योंकि दे आर जस्ट इन कॉन्टेक्ट काइंड ऑफ थिंग. एंड पोस्ट दैट एम टू की वेलोसिटी एम वन से ज्यादा होगी तो वो आगे निकल जाएगा. आगे निकल जाएगा तो वो डिफॉर्मेशन से अब रिफॉर्मेशन वाली स्टेट हो जाएगी. राइट? यस सर. हम डिफॉर्मेशन कब तक देखते हैं? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब तक होगा? जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती. यस सर. उसके बाद रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और उससे पहले डिफॉर्मेशन हो रहा था. करेक्ट? यस सर. अब एट द टाइम ऑफ मैक्स डिफॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स विल बी सेम अलोंग लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ कॉमन नॉर्मल. यस सर. तो वी कैन इजीली फाइंड दिस वैल्यू ऑफ वी. हम इस ई की वी की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? एफ एक्सटर्नल जीरो है
कॉमन नॉर्मल पे तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, m1u1 plus m2u2 is m1v plus m2v which is equals to m1v1 plus m2v2, correct? Yes sir. यहाँ पे जो दो टर्म आते हैं निकल के, that is impulse of deformation. Impulse of deformation is defined as change in momentum of any one body during deformation. किसी भी एक बॉडी का निकाल लो, change in momentum. M2 से निकालना आसान है, तो JD कितना होगा? M2 change in momentum कितना होगा? M2 v minus u2, right? Yes sir. यही चीज impulse of deformation कितना होगा? Change in momentum of any one body during deformation. Yes sir. Correct. ये कितना होगा? M v2 minus v. आई क्या बात समझ में? Yes sir. नीचे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो. प्रियांश बोलो. सर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन मतलब मैक्स वेलोसिटी पे की, मतलब इक्वल वेलोसिटीज पे की होएगा. बच्चा जब तक u1 ग्रेटर देन u2 होगा तब तक तो वो आगे जाने की कोशिश करेगा, तो डिफॉर्म होता रहेगा. आप दीवार पे सर मारते रहोगे तो आपका सर दर्द करता रहेगा. जिस इंस्टेंस पे दीवार और आपकी वेलोसिटी सेम हो गई उस इंस्टेंस पे क्या होगा? दर्द होना बंद हो जाएगा क्योंकि यू आर मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी. तो होगा क्या? जस्ट इन कॉन्टैक्ट हो गया. तो सर जब दोनों ने कोलाइड किया उसके बाद जरूरी थोड़ी है कि उनकी वेलोसिटी एक टाइम इंस्टेंस पे इक्वल भी हो. अरे तो क्यों नहीं होगी? आप ये बताओ, आपने पीछे से आई बॉल है ना और आगे वाली बॉल के साथ कोलाइड किया. अब आगे वाली बॉल के साथ कोलाइड किया तो आगे वाली बॉल आगे निकल जाती है. यस सर. बट बीच में तो एक इंस्टेंस आएगा ना जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, बहुत छोटा सा, मतलब वो वीटी टाइम इंटरवल के लिए आएगा. तब उस टाइम इंटरवल में क्या हो रहा होगा? दोनों का डिफॉर्मेशन हो रहा होगा. करेक्ट? यस सर. यही बोला मैंने. आया समझ में? चलो क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों. आर्यन मैं माइक ऑफ कर रहा हूं आपका, हैंड रेज रहने देना, बाद में वापस कर दूंगा. ये मैंने नोट्स ग्रुप पे भेजे हुए बच्चे. ध्रुव सही है आदित्य फर्स्ट पार्ट का.
फर्स्ट का वन है आंसर, सेकंड वाले का 0.5 है आदित्य, दैट इज करेक्ट. सभी सी पार्ट गलत है, बी पार्ट सही है शुभम. जने ए पार्ट गलत है, सी पार्ट भी गलत है. आदित्य डी पार्ट सही है आपका, एक मिनट, नहीं हाँ सही है आपका, सी पार्ट जो आप निकाला है वो सही है आदित्य. आंसर्स लिख देता हूं यहां पर ऑर्डर में. फर्स्ट वाले का है वन, सेकंड वाले का है 0.5, थर्ड वाले का आ रहा है 8, फोर्थ वाले का आ रहा है 24, और फिफ्थ वाले का आ रहा है 4. यू हैव लास्ट 2 मिनट्स, उसके बाद डिस्कशन करेंगे.
सर इन ऑर्डर टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी वी नीड टू कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी. नहीं, आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो ना, जो चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी का वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना डिफॉर्मेशन के टाइम पर. मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से ही कोई भी बॉडी को लेकर हम इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. हाँ, दैट्स करेक्ट. ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? आर्यन का तो है ही रेज हैंड, कोई और भी है जो डिस्कस करना चाहेगा क्वेश्चन? हाँ दित्ती, दित्ती आर्यन एंड प्रणव, फाइन. क्या दे रखा है बच्चों? पार्टिकल्स का इनिशियल मोमेंटम गिवन है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन भी, उनकी एक पार्टिकल की वेलोसिटी और दूसरे की निकालनी है. एक ही गिवन है, दूसरे की निकालनी है. तो सिंपल है, फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल. सो पी इनिशियल हमारा कितना है? 2 × 4 + 4 × −2. इट्स इक्वल्स टू 2 × −2 + 4 × V. यहां से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, 1 m/s आ जाएगा. करेक्ट? सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो E होता है मेरा V2 − V1 / U1 − U2. तो विद साइन डालेंगे, V2 हमारा 1 है, माइनस V1 आपका −2 है, डिवाइडेड बाय U1 आपका 4 है, −2 क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो 3/6 आ जाएगा, दैट इज 0.5. थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, JD की वैल्यू पूछी है. इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्व करेंगे. तो मोमेंटम जब हम कंजर्व करेंगे तो क्या होगा, है ना, 2 × 4. इसके लिए पहले हम करेंगे P इनिशियल इक्वल्स टू P एट मैक्स डिफॉर्मेशन. इनिशियल कितना? 2 × 4 + 2 × −4. फोर इंटू माइनस टू. 2 + 4 × V. करेक्ट? यस सर. तो यहां से V की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गया, V 0 आ गया. तो हाँ सर, इंपल्सिव डिफॉर्मेशन निकल जाएगा हमारा. इंपल्सिव डिफॉर्मेशन क्या होगा? ऐसे करते हैं, तो दिस इंप्लाइज JD m2 v − u2 4 0 − −2. JD की वैल्यू आ जाएगी आपका कितना? 8 न्यूटन सेकंड.
फोर्थ पार्ट हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, यू मैक्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको मैं लिख सकता हूं यू मैक्स ऑफ डिफॉर्मेशन इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी एट मैक्स डिफॉर्मेशन. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, हाफ 2 into 4 का स्क्वायर प्लस हाफ 4 into 2 का स्क्वायर माइनस हाफ 2 प्लस 4 into 0 का स्क्वायर, करेक्ट? यस सर. तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा हाफ 16, 32, 16, 16 plus 8, 24 joules. कितना है हमारा मास, 4. V2 कितना है, 1 माइनस 0. तो जे आर की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन सेकंड. ओके यस सर. किसी बच्चे को कोई डाउट? ये आर्यन आपके बैकग्राउंड में वो आ रही है क्या, डिस्टरबेंस? डिस्टरबेंस आ रहा है, वो पीछे से कुछ हिट करने की आवाज आ रही है. क्रिश कुछ बोलना है क्या आपको? सर थर्ड पार्ट बताइए ना फिर. थर्ड पार्ट क्या है, मैक्स डिफॉर्मेशन पे जेडी पूछा, जेडी कब निकलता है, मैक्स डिफॉर्मेशन पे निकलता है. मैक्स डिफॉर्मेशन पे क्या होगा, दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे. यस सर. तो इनिशियल मोमेंटम एंड मोमेंटम एट मैक्स डिफॉर्मेशन, जब दोनों सेम से मूव करेंगे तो 2 प्लस 4 इनटू वी, और इनिशियल मोमेंटम कितना था वो लिख दिया, इक्वल टू 0 आ गया. एलएचएस 0 आ गया तो आरएचएस में वी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी. और अगर वी 0 आ गया तो हमारा क्या होगा, जेडी कितना आ जाएगा, एम टू वी माइनस यू टू, चेंज इन मोमेंटम, राइट? यस सर समझ गया. ओके थैंक यू. ओके फाइन. हाँ शुभम बोलो. सर वो सी पार्ट को करने के लिए और कोई तरीका नहीं था ना? नहीं नहीं सिंपल मोमेंटम कंजर्व करना है. सर अगर कोई और तरीके से आया तो वो लाइक तो जैसा ही है ना? बताओ ना क्या आया तरीका आपका. सर मतलब मेरा बहुत ही लाइक कुछ अलग ही था. तो गलत है. हाँ? आपको गलत है आपका तरीका. डिफॉर्मेशन निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम डिफाइन किया गया है. मोमेंटम चेंज निकालने के लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना. हाँ तो पहले मोमेंटम कंजर्व करने के बाद वो फॉर्मूला लगाने का है ना. थैंक यू. आर्यन? यस सर. चलो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वेरिएबल मास. ओके यस सर. जस्ट वन मिनट. वेरिएबल मास. सो आर्यन अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब मोमेंटम कंजर्व मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते थे तो हमारा क्या होता था फंडा, है ना, देखते जाना. एफ हमारा क्या है, डीपी बाय डीटी. यस सर. राइट. और पी मेरा क्या है, एम इनटू वी वेक्टर. करेक्ट? यस सर. सो दिस इंप्लाइज एफ क्या आना चाहिए, डी एम वी वेक्टर बाय डीटी. तो ये आना चाहिए एम डीवी बाय डीटी
प्लस वी डी एम बाई डी टी यस सर राइट प्रोडक्ट रूल से यस सर फ्रॉम प्रोडक्ट रूल ओके एंड अप टिल नाउ mass was constant yes sir hence dm by dt zero is equal to zero that's yes, why sir. F is equal to m dv by dt right yes sir but in case of variable mass m is not equal to constant implying dm by dt is not equal to zero implying f is not equal to m dv by dt okay yes sir ab ye kaun se questions honge ye questions wo honge sparsh aapka jo doubt hai wo lecture ke end mein le lunga aapne raise hand nahi kiya tha ab idhar dekho rocket ya aeroplane fly kar raha hai rocket fly kar raha hai to usme kya hota hai mass burn out hota hai kaise fuel dheere dheere burn out hota ja raha hai right so wahan variable mass hai na आपने yes, देखा sir. होगा कन्वेयर बेल्ट कौन सी एयरपोर्ट पे जाओगे तो जिसपे सामान आता जाता है तो इसपे yes, सामान क्या हो रहा है गिरते जा रहा है तो उसका वेट बढ़ता जा रहा है तो वो वेरिएबल मास है राइट ये कन्वेयर बेल्ट बहुत जगह यूज होता है चक्की में देखोगे आप जहाँ आटा पिसाने जाते हैं वो सब तो बहुत जगह यूज होता है राइट yes, तो वहां पे वेरिएबल मास है तो वहां पे फोर्स आपका एम डीवी बाई डी टी नहीं होगा ओके तो इसको समझने के लिए हम सिनेरियो देख रहे हैं दो ठीक है हमने देखा मान लो एक छोटा मास है डीएम ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना और एक बड़ा मास है एम ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है यह है बिफोर ठीक है एंड आफ्टर में क्या होता है dm gets attached तो dm plus m ये मूव कर रहे हैं v plus dv से यस सर ओके ये हमारा आफ्टर ठीक है तो मैं लिख देता हूं अ सिस्टम ऑफ मास एम अ सिस्टम ऑफ मास एम is initially moving with velocity v vector at time t okay yes sir next a very small mass dm approach system
mass m with velocity u. Okay, and this infinite this very small mass, small mass gets small mass gets combines with system in time dt. dt time में क्या हो रहा है, वो combine हो जाता है. Okay? Yes, sir. So सिस्टम की जगह मैं लिखता हूँ इसको बॉडी, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा. अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कराता है, एक सेकंड लगा रहा है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी v एट टाइम t, अ वेरी स्मॉल मास dm अप्रोच ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विद वेलोसिटी u. दिस वेरी स्मॉल मास कंबाइंस विद ऑब्जेक्ट इन टाइम dt. ओके, ये कंबाइन कर रहा है. तो अब मेरा जो सिस्टम होगा, सिस्टम में डिफाइन करूंगा, ये होगा m प्लस dm होगा. यस सर. करेक्ट. यस सर. अब अगर मैं p इनिशियल की बात करूंगा, मोमेंटम इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम कितना दिखेगा बच्चे, m into v वेक्टर प्लस dm into u वेक्टर. यस सर. है ना, m into v प्लस dm into u towards right. यस सर. ओके, और अगर मुझसे कोई पूछेगा p फाइनल, तो मैं लिखूंगा m प्लस dm into v प्लस dv. Yes, sir. Towards right. Yes, sir. Correct. Yes, sir. ये मेरा momentum आ गया, right? Final. Yes, sir. अब hence change in momentum क्या होता है? dp vector. Yes, sir. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p फाइनल माइनस p इनिशियल. यस सर. ओके, अब dp वेक्टर आ जाएगा आपका p फाइनल कितना होगा, m प्लस dm p प्लस dv mv प्लस dm into u. Yes, sir. अब एक मैथ्स का अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा आज मैं. पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो m into v plus m into dv dm into v plus m into dv plus dm into dv. है ना? Yes, sir. माइनस mv mv प्लस dm into u. राइट. यस सर. सो mv प्लस vdm प्लस mdv प्लस dm dv माइनस mv माइनस udm आ जाएगा. यस सर. अब इसमें
mv वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा करेक्ट। अब सर dm dv जो ये टर्म है ये जीरो हो जाएगा, ये देखना इंपॉर्टेंट है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो बिकॉज बोथ dm एंड dv आर वेरी स्मॉल। यस तो अगर आप देखोगे बहुत छोटा है तो 0.1 into 0.1 0.01 हो जाता है और छोटा हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। यस सर राइट। तो ऐसे 0.00001 into 0.00000 into 1 क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, करेक्ट। यस सर। तो इसको मैं जीरो ले सकता हूं, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज डीपी वेक्टर कितना आएगा बच्चे, यूडीएम है ना, हमारे पास जो बचा है वी डी एम प्लस एम डी वी डीवी। तो एम डी वी और डीएम कॉमन लेकर मैं यू माइनस वी लिख सकता हूँ, यू माइनस वी। यस सर। नेगेटिव साइन, उसका एक रीजन है मैंने नेगेटिव साइन लिखा है क्योंकि यू माइनस वी u minus v is velocity of approach लिख सकता हूँ। velocity of approach, हाँ सर। correct? yes sir, yes. okay. this u minus v is velocity of approach. और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जिसको मैं वी आर से भी डिनोट कर सकता हूँ। यस सर। ओके। एज फोर्सेस इक्वल टू डीपी बाय डीटी वेक्टर, सो ये कितना आएगा, एम एम dv by dt minus dm by dt u vector minus v vector by dt dt। सॉरी मेरी बात। यस सर। सो हेंस अब हमारा जो f एक्सटर्नल का फॉर्मूला है वो हमारा चेंज हो गया m dv by dt माइनस यू माइनस वी डी एम बाई डी टी विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एम डी वी बाई डी टी वी आर डी एम बाई डी टी। किसी बच्चे को कोई डाउट, where vr is u vector minus v vector equal to velocity of approach. Koi doubt kisi ko? बोलो यश। सर आपने स्टार्टिंग वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखा हो बताइए ना, डीपी एमडीवी वाला सर, उस नेक्स्ट पेज का सबसे स्टार्टिंग वाला एक्सप्रेशन। यहां से एमडीवी तो है ही। यस सर। इसके अलावा मेरे पास क्या क्या बचा, ये और ये बचा। यस तो माइनस डीएम कॉमन लिया तो यू माइनस वी आ जाएगा। यस सर। ये लिखा देखो। हाँ ओके सर। ओके यस।
और किसी को कोई और डाउट? ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को अपन और देख लेते हैं डिटेल में आर्यन। यस सर। ठीक है, अभी तक हमारा एफ एक्सटर्नल क्या होता था? एम ए होता था। एम ए, यस सर, है ना। तो अब एफ एक्सटर्नल एम ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ए में तो डी वी बाई डी टी आ रहा है ना। यस सर, है ना, तो उसमें कुछ और आएगा, राइट। तो इसको अपन और डिटेल में देख लेते हैं। और एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस यू माइनस वी डी एम बाई डी टी। ओके, अब वेयर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन, एफ एक्सटर्नल क्या डिनोट करता है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। यस सर, राइट। एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, मास एम, राइट। यस सर, दिस विल include mg gravitational force, comma air resistance, etc. जो भी बाहर से लग रहा होगा वो होगा। यस सर, समझ में आ रही है क्या बात? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, u वेक्टर माइनस v वेक्टर into dm by dt is v relative dm by dt. Yes sir, hai na. This is the force, this is the force exerted by dm mass on m. Yeah. Okay. क्योंकि अगर yes, ये नहीं होता, ठीक है, तो हमारा डायरेक्टली f एक्सटर्नल m dv by dt आ जाता। यस सर, तो यही फैक्टर से एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। तो दिस इज द फोर्स जो है ना आपका मास चेंज लगा रहा है, करेक्ट सर? ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रेट एट विच मोमेंटम इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है, दिस वी रिलेटिव डीएम बाय डीटी रिप्रेजेंट्स rate at which momentum is being transferred to or from m. To or from m kyun likha? मास क्या हो सकता है हमारा? रिड्यूस भी हो सकता है, और मास हमारा क्या हो सकता है? गेन भी हो सकता है। कन्वेयर बेल्ट पे मास बढ़ जाएगा, और क्या कहते हैं रॉकेट वाले रॉकेट प्रोपल्शन केस में मास कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, राइट। तो ये डीएम बाई डी टी आपका पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकता है, ठीक है। डीएम बाई डी टी कैन बी positive or negative. Okay, if mass increases, if m increases implies dm by dt is positive, and if m decreases
it implies dm by dt negative is negative. Okay. Yes, sir. All कोई expression है क्या हमारा? ठीक है. है ना? MdV by dt में वो तो हमें पता ही है सारी चीजें, right? Yes, sir. ठीक है. किसी बच्चे को कोई doubt? ये आप स्क्रीनशॉट ले लो यार बच्चों. एक बात. अभी मैं कुछ इस पे चार पांच क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, तीन चार क्वेश्चन, तो आपका यहीं पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा. बाय द टाइम आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. पेज नंबर 1 का ले लिया क्या? यस सर. आई एम अज्यूमिंग सबने ले लिया होगा. पेज नंबर 2. ओके. हाँ निशिम बोलो. हाँ बोलो. तो ये पता है कि कन्वेयर बेल्ट पे मतलब मास इंक्रीज होता है सर, पर वो क्यों होता है सर, वो बोल सकते हो एक बार? क्योंकि आपका सामान आके गिरता है ना. हाँ यस सर. नींद में हो क्या आप? सॉरी सर. अरे सॉरी मतलब मैंने पूछा सवाल कुछ और था. पेज नंबर 3 देख लो. हो गया क्या आदिल? यस सर. है ना. पेज नंबर 4. डन सर. आई एम अज्यूमिंग सबने ले लिया होगा. पेज नंबर 5. हो गया आदिल? यस सर. यस सर. एंड पेज नंबर 6. डन सर. ओके. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा. ठीक है. माइक ऑफ कर लो आदिल. यस सर. रेज्ड हैंड रहने देना.
वीरती हाँ बोलो बच्चे सर एक मतलब दो हिप्स है चेन के एक ऊपर है थोड़ा हाइट पे और एक नीचे है तो ऊपर से अगर चेन ऐसे नीचे गिर रही है तो नीचे हिप बन रहा है उसका तो ऊपर से मास कम हो रहा है और नीचे मास बच्चे सुनो ना सर ऊपर से मास बढ़ रहा है नीचे हाँ ठीक है वीरती आप व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ वो क्वेश्चन होंगे हमारे पास आप जो हीप कह रहे हो ना मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक हीप ऐसा है और यहाँ पे चेन है तो इसको आगे खींचूंगा एक क्वेश्चन मैं ऐसा कराऊंगा कि हमारा हीप यहाँ पर है और मैं इसको ऊपर खींच रहा हूँ ओके तो वी विल डू ऑल दोस क्वेश्चन ठीक है नहीं अगर दोनों भी मतलब ऊपर हाइट पे हीप है और नीचे पे ही है ऊपर हाइट पे ही पे और नीचे गिर रही है तो नीचे तो मास इंक्रीज हो रहा है पर ऊपर से डिक्रीज हो रहा है तो अपन कहाँ का लेंगे वो डाउट है वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है कौन से वाले पार्ट का पूछा है ऊपर वाले सिस्टम अलग होगा नीचे वाला अलग होगा राइट यस सर फर्स्ट वाले पार्ट का 165 है दैट इज करेक्ट Last 1 or 2 minutes, that's it. Three, that is correct. Okay, first part is 165, second is 363. Last 1 minute, that's it. Uske baad discussion start karenge.
यश बोलो सर, आपने एक आंसर क्या बोला? पहला 165, दूसरा 363, करते हैं अपन डिस्कस। ओके, आप ही करोगे डिस्कस? आदिन माइक ऑन करो। यस सर। देखो डिस्कशन करते हैं, जो हमारा कन्वेयर बेल्ट है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? सर राइट। कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग राइटवर्ड्स, हेंस व्हाट आई कैन से एफ एक्सटर्नल विल also be rightwards. Yes, sir. Let rightwards be positive direction. Positive. Yes, sir. Right. Come on, next page we need to dollar. Yes, sir. As F external is mdv by dt plus minus minus u vector minus v vector bm by dt. तो हमारा ये u vector है, ये zero होगा। Zero। ये बहुत ही important point है। Yes, sir. बिकॉज यहाँ पे उन्होंने जो ग्रेवल है, वो ग्रेवल का मतलब क्या होता है? नहीं, फाइन पार्टिकल्स है। फाइन ग्रेवल फॉल्स वर्टिकली, हेंस देयर वेलोसिटी इन राइटवर्ड डायरेक्शन राइट और डायरेक्शन जीरो होगी। आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, एक और चीज ऑल्सो डीवी बाई डी टी जीरो इज इक्वल टू जीरो बिकॉज कॉन्स्टेंट स्पीड है। वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट करेक्ट? यस सर। राइट, तो दिस इंप्लाइज हमारा एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा? एफ एक्सटर्नल आ जाएगा मेरा डीएम बाय डीटी, डीएम बाय डीटी। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट आए तो रेज हैंड कर देना। हाँ शुभम बोलो। सर वो जीरो क्यों होगा? सर नहीं समझ रहा। कौन सा जीरो क्यों होगा? दो जीरो है यहाँ पर। U vector minus V vector zero नहीं कहा है मैंने, मैंने U vector को zero कहा है। अच्छा U vector zero। Okay okay हाँ। U vector को zero कहा भाई? तभी तो V dm by dt लिखा है। U vector zero इसलिए क्योंकि वो vertically गिर रहा है नीचे। सुनो मेरी बात सुनो। वो गिर कैसे रहा है? ऐसे गिर रहा है और जा इधर रहा है। तो F external में तो U का कोई रोल ही नहीं होगा। हाँ हाँ। परपेंडिकुलर वेक्टर्स इफेक्ट नहीं करते ना। हाँ हाँ यस समझ गया। थैंक यू। योर हैंड माइक ऑफ करो। ओके, तो आदिन यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। अब हमारा डायरेक्ट आ गया एफ एक्सटर्नल। दिस इंप्लाइज एफ एक्सटर्नल इज वेलोसिटी वी कितना दे रखा है हमें? 2.2 दे रखा है। और डीएम बाई डी टी कितना है मेरा? 75। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 165 न्यूटन। न्यूटन, यस सर। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है उन्होंने? पावर आउटपुट। आउटपुट दैट द मोटर हैव दैट ड्राइव्स द कन्वेयर बेल्ट। मुझे बताओ पावर का क्या फार्मूला होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू, हां सर। पावर इज dw / dt व्हिच कैन बी रिटन एज f एक्सटर्नल
इनटू v डॉट v यस सर करेक्ट तो f एक्सटेंडेड डॉट v कितना आएगा हमारा 165 2.2 सेम डायरेक्शन वाला यस सॉल्व कर लेना है आएगा 363 वोल्ट वोल्ट आया समझ में हां सर ओके हां सर कोई डाउट किसी बच्चे को फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों यस सर जस्ट गिव मी अ मिनट मैं कॉपी पेस्ट करता हूं हेलो सॉल्व यस सर अच्छा इसमें जो थ्रस्ट फोर्स है ना मैं इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट बता देता हूँ जो मैंने यहाँ लिखा है मैं ऐड भी करना चाहता हूँ इसको यहीं पर ही ये v रिलेटिव dm by dt इज थ्रस्ट फोर्स ये एक मिनट इधर ध्यान देना रेज हैंड करो कौन डिस्कस करना चाहेगा थ्रस्ट फोर्स अपार्ट फ्रॉम आर्यन आदित्य ठीक है एक माइक ऑन कर लो आदित्य yes. हाँ बच्चे थ्रस्ट फोर्स क्या होता है अब जब रॉकेट है ना ऊपर फ्लाई करता है ना ये रॉकेट है ये फ्लाई करता है तो यहाँ पे क्या करता है फ्यूल बर्न होता है राइट सो बेसिकली यहाँ पे गैस इज एग्जॉस्टेड यस सर गैस एग्जॉस्ट इस जगह करेक्ट यस सर अब जब गैस एग्जॉस्ट होगा तो बिकॉज ऑफ दिस एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा एफ अप Because of third law exhaust right
this force is exhaust, thrust force. This force is thrust force. क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं. एक सेकंड दे रहा हूं, हटा देते हैं. Thrust force. A part. Let me add a page. B part. Liquid में जब हम किसी particle को immerse करते हैं, buoyancy force लगता है, है ना? तो अगर मैंने यहाँ पे पार्टिकल को पार्शियली या फुल्ली इमर्स कर दिया है तो नीचे लगता है mg, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर लगता है एक f बॉयंट, दिस इज बॉयंट फोर्स. है ना? Acts due to pressure difference. हाँ सर. ये हम पढ़ेंगे fluid mechanics. Okay. Yes sir. इसे हम कहते हैं thrust force. Basically जो हमें push कर रहा है. समझ में आ रही है बात? हाँ सर. Clear है? Yes sir. Okay. तो these are the examples. तो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है वो मैं लिख देता हूं. अगर कोई मुझसे थ्रस्ट फोर्स पूछेगा तो थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू जो भी डीएम फोर्स लगा रहा है, सॉरी डीएम मास लगा रहा है, फोर्स एग्जर्टेड बाय डीएम on mass m, that is thrust force is dm. कितना force लगा रहा है? u vector minus v vector. dm by dt. yes. आई क्या बात समझ में? किसी को कोई doubt? हाँ sir. v relative dm by dt. मैं एक्चुअली ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाला एग्जांपल हटा रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. एक मिनट ताहिर, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब मास बाहर निकलेगा तो इतनी स्पीड से मास निकलता है कि उसका एक्शन रिएक्शन की वजह से जो हैवी पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, राइट? हाँ सर. तो हैवी पार्टिकल क्या है? जो मास एम है और एक्शन रिएक्शन कौन लगा रहा है? डीएम बाहर निकल रहा है, तो डीएम फोर्स लगा रहा है, राइट? तो दैट इज द थ्रस्ट फोर्स. यस. बोलो ताहिर. मेरे को उसमें डाउट नहीं था सर. मेरे को वो बैंड फोर्स में मतलब डीएम कौन एग्जैक्टली करूंगा? वही वही वही. तो इसीलिए मैंने क्या कहा, मैं इसको हटा रहा हूं. ओके. क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे. मैंने सिर्फ थ्रस्ट फोर्स समझाना चाह रहा था. तो थ्रस्ट फोर्स हमारा प्रेशर क्या कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आता है, बॉयंट फोर्स में भी हम वहां पे थ्रस्ट फोर्स वर्ड यूज करते हैं. ठीक है सर? मतलब बॉयंट फोर्स थ्रस्ट फोर्स का ही टाइप है ना? करेंगे करेंगे, अपन उसको डिस्कस करेंगे. उस वर्ड को भी थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, तो वो मैंने लिख दिया इसीलिए, राइट? हाँ सर. यस सर. है ना? लिखा था, उसको समझा दिया, हटा दिया, क्योंकि वो यहाँ पे रिलेटेड नहीं है. तो आई नो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं. तो हमारे केस में थ्रस्ट फोर्स क्योंकि यहाँ पे मास वेरी कर रहा है, करेक्ट? यस सर. समझ में आ गया? तो लोअर योर हैंड्स. आदित्य एंड ताहिर, ओके, अब सॉल्व कर लो.
फर्स्ट वाले का आ रहा है 5.3 इनटू 10 रेस टू पावर 5, दैट इज करेक्ट। आर्यन, ताहिर, आदित्य, सबका सही है। सेकंड वाले का आ रहा है, हाँ ताहिर आपका सही है, केवल गलत है सेकंड वाला, अरिंजय गलत है, आदित्य गलत है, वीरती गलत है, एक मिनट 5.9 आ रहा है क्या किसी का, नहीं नहीं वो नहीं है। सो बी पार्ट में आई थिंक दो क्वेश्चन है, बी में है ना ब्लास्ट ऑफ पे नेट फोर्स कितना है और उसके बाद कितना है, तो ब्लास्ट ऑफ पे निकालना है और उसके बाद कितना है बी पार्ट पे, दो बी में दो सब पार्ट्स है 1 और 2। ब्लास्ट ऑफ पे आ रहा है 3.2, वीरती आपका सही है ब्लास्ट ऑफ पे 3.2 into 10 raise to power 5, और बर्नआउट के टाइम पे आ रहा है आपका 8 पार्ट गलत है शुभम। बर्नआउट पे अप्रोक्सीमेटली सही आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हेमंग, फर्स्ट पार्ट का निशिम सही है, मैं आंसर्स लिख दूं क्या यार, एक पार्ट का आंसर आएगा 532000 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 5.3 इंटू 10 रेस टू पावर 5। बी पार्ट में फर्स्ट पार्ट है हमारा ब्लास्ट ऑफ, ब्लास्ट ऑफ पे आएगा हमारा कितना रहा है ब्लास्ट ऑफ पे 3.2 इंटू 10 रेस टू पावर 5। सेकेंड पार्ट है बर्नआउट, बर्नआउट पे आ रहा है मेरा 5.9 इंटू 10 रेस टू पावर 5। ओके, विद अ नेगेटिव साइन मान सकते हो। सी पार्ट, वी एज अ फंक्शन ऑफ दिस, तो वी एज फंक्शन ऑफ टाइम हमारा आ जाएगा जो दे रखा है वी नॉट माइनस जी टी प्लस वी रिलेटिव
ln m by m naught. m naught आपका इनिशियल मास होगा और ये फाइनल मास होगा m. ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा ऐसा कुछ. ओके एंड डी पार्ट के जो आंसर्स हैं, डी पार्ट का आंसर आएगा आपका 2730 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों आपके पास ये दो क्वेश्चन के अलावा जब नोट्स आएंगे आज तो दो और क्वेश्चन होंगे, चार क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है. और सबका सोल्यूशन वगैरह भी लिखा रहेगा. कल हमारा डाउट लेक्चर है, डाउट लेक्चर में क्या डिस्कशन होगा, इस वीक का क्या होमवर्क का शेड्यूल रहेगा, दैट ऑल्सो यू विल गेट बाय 2 o'clock. 12 to 1:30 मेरा लेक्चर है, उसमें मैं बाकी के दो क्वेश्चन भी अगर टाइम मिलेगा तो वो भी करा के भेज दूंगा आपको. तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी 2 बजे तक. आज मैं एक जनरल आप लोगों की क्वेरीज, क्योंकि कल मीटिंग में मैं जल्दी निकल गया था, ठीक है, मेरा लेक्चर था, तो मैं आपकी क्वेरीज का आंसर दूंगा, प्लस जनरल कैसे पढ़ना है, क्या चीजें करनी है हमें, उसके लिए आधे घंटे का शॉर्ट सेशन रख रहा हूँ रात को 8 PM. चलेगा ना 7:30 PM? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज थी कि क्या करना है, कैसे करना है, वो रिगार्डिंग एकेडजा वगैरह बहुत सारी चीजें पूछी गई थी. तो है ना, काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल सेशन एंड आज रख लेता हूं मैं 7:38. चलेगा बच्चों भुसावल में, अकोला में? राइट, ठीक है. सो आज मैं एक जनरल मोटिवेशनल सेशन काइंड ऑफ थिंग रख लेता हूं, ताकि अपना जो भी डिस्कशन है मैं सारे बैचेस का रख लूंगा, आपकी क्वेरीज वगैरह प्रॉपरली मैं आंसर दूंगा. हाँ शुभम बोलो, आपने रेज हैंड किया है. सर वो अकेडजा का सर लेना चाहिए क्या लगता है आपको? अरे मैंने बोला ना 8 PM पे डिस्कस करते हैं डिटेल में, राइट? है ना, तो वो सारी चीजें अपन आज डिस्कस कर लेते हैं. आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हैं तो आज 8 बजे मैं रख लेता हूँ टेंटेटिवली. ओके, दूसरे बैच से डिस्कस करके मैं फाइनल बता दूंगा, 7:30 to 8 के बीच में कभी होगा, वेरी शॉर्ट सेशन. फाइन, सो अभी किसी को कोई और डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो.